स्टूडेंट्स, मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है और मैं आपका कंप्यूटर का 7th क्लास का 3rd चैप्टर लेके आया हूँ। 3rd चैप्टर हमारा क्या है, क्रिएटिंग चार्ट्स इन एमएस एक्सेल। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक स्टडी किया था, इससे पहले वाले पार्ट्स में हम लोगों ने चार्ट्स कितने तरह के होते हैं, उन चार्ट्स का डेफिनेशन क्या है और उन चार्ट्स का फंक्शन क्या है, किस किस जगह पे हम उन सभी चार्टों को इस्तेमाल करते हैं या यूटिलाइज करते हैं या प्रिपेयर करते हैं। तो अब इस पार्ट में हम लोग उन सभी चार्टों को किस तरीके से बनाया जाता है कंप्यूटर के ऊपर, इसको जानेंगे पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे टू क्रिएटिंग ए चार्ट फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। अगर जब हम कोई भी चार्ट बनाते हैं, चाहे वो बार चार्ट बनाए, चाहे लाइन चार्ट बनाए, चाहे पाई डायग्राम बनाए या फिर रडार ये डायग्राम बनाए, तो उन सभी चार्ट्स के लिए हमें पहले स्टार्ट करना रहेगा। तो स्टार्ट करते समय हम लोग पहले क्या करते हैं, सीरीज लेके आते हैं कि किस तरीके से वो स्टेप्स आते हैं, किस तरीके से हम लोग ओपन करेंगे, किस तरीके से हम लोग टेक ऑफ करेंगे, मीन्स किस तरीके से उसको ऑपरेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्ट द डेटा सीरीज वी वांट टू चार्ट इंक्लूडिंग द कॉलम टाइटल्स एंड रो लेबल्स, द सेम विल बी द सोर्स डेटा फॉर द चार्ट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉलम एंड रोज चूज करना है जहां पर हमारा डेटा मींस डेटा सीरीज जहां पर हम लोग लिख के शो ऑफ करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, नाउ क्लिक द इंसर्ट टैब। जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम लोग कंप्यूटर पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, इन द चार्ट ग्रुप सिलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट कैटेगरी। चार्ट कैटेगरी मींस टाइप्स ऑफ चार्ट रहेगा, तो उसमें तुमको कौन सा चार्ट यूटिलाइज करना है। उसमें मैंने इससे पहले जो चार्ट फंक्शंस के बारे में बताया था, चार्ट से संबंधित जो आंकड़े दिए रहेंगे वो किस तरह के आंकड़े हैं, उस आधार पे चार्ट को हम लोग चूज करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चूज करना है, चार्ट कौन सा चार्ट हमें बनाना है अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। जो डेटा दिया रहेगा उसी के आधार पे हम चार्ट को चूज करेंगे। तो चार्ट हमारा कोई भी हो सकता है, कॉलम चार्ट भी हो सकता है, लाइन चार्ट भी हो सकता है, या फिर पाई डायग्राम भी हो सकता है, या फिर रडार भी हो सकता है। तो वो अकॉर्डिंग टू डेटा हमें चूज करना है। तो थर्ड स्टेप क्या है, इन द चार्ट ग्रुप सिलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट कैटेगरी। चार्ट कैटेगरी में आपको डिजायर्ड वो सारे चार्ट ग्रुप्स दिए रहेंगे, पाई लाइन कॉलम ये सभी कैटेगरीज दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक कैटेगरी हमें चूज करना है। फोर्थ स्टेप, नाउ चूज द डिजायर्ड चार्ट टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। जो ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा उसमें से चूज कर लेंगे। स्टेप फिफ्थ, द चार्ट विल अपीयर इन द वर्कशीट। जो भी हम चूज किए रहेंगे, जिस तरह का भी चार्ट हम लोग यूज करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, मींस सिलेक्ट किए रहेंगे, वो सिलेक्टेड पार्ट हम लोगों के वर्कशीट पे अपीयर हो जाएगा, मतलब दिखाने लगेगा। तो ये हमारा क्या था, किस तरीके से हम लोग स्टार्टअप लेंगे चार्ट बनाने के लिए, मींस हम लोग कौन सा चार्ट बना रहे हैं, किस तरह का चार्ट बना रहे हैं, उसके लिए हमें कौन से टैब में जाना है, किसको क्लिक करके कहां क्या क्या बातों को सिलेक्ट करना है, बातों को सिलेक्ट करने के बाद किस तरीके से हमारी वर्कशीट पे हमारा चार्ट ओपन होके आ जाता है, ये यहां तक बताता है। ठीक है, अब इसके आगे है, टू चेंज द चार्ट टाइप प्लीज फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अभी तक तो बात हुई कि चार्ट कि हम लोग चार्ट किस तरीके से बनाने के लिए शुरुआत करेंगे, तो अब हमारी क्या बात हो रही है, अब हमारी बात हो रही है कि एक चार्ट बन गया, अब हमें दूसरा चार्ट बनाना। तो दूसरा चार्ट, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा चार्ट अगर कॉलम बार या फिर लाइन चार्ट है तो हम उसी चार्ट को बनाएंगे, हो सकता है हम पाई डायग्राम बनाएं या फिर हम लोग रडार चार्ट बनाएं। तो ये दोनों चीज के लिए या फिर चार्ट को चेंज करने के लिए हमें किस किस तरह का स्टेप लेना पड़ता है उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट स्टेप है, क्लिक द डिजाइन टैब एंड सिलेक्ट द चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन। डिजाइन सबसे पहले हम लोग यहां पर जब चार्ट क्रिएट किए थे तो किसमें गए थे, इंसर्ट में गए थे। ठीक है, यहां पर क्या गए थे, इंसर्ट में गए थे।
इंसर्ट फर्स्ट में क्रिएटिंग या चार्ट फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन, जब क्रिएटिंग करते हैं, जब चेंज करना रहता है तो हम किस में जाएंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे। कहां जाएंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे एंड सिलेक्ट द चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन। चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन मींस कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा, कॉलम, बार, लाइन, ये सारे कुछ भी दिए रहेंगे, उसको हमको चेंज कर लेना है। सेकंड स्टेप क्या है, सिलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट टाइप एंड देन क्लिक ओके। जो जरूरत है अपने जरूरत के हिसाब से जो चार्ट हमें सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद उसको क्लिक करके ओके कर देना है। अब ये तो हो गया चार्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, और फिर हम चार्ट को बदल के फिर कैसे दूसरा चार्ट अपने डेस्कटॉप पे लेके आएंगे, ये दोनों स्टेप्स उसके लिए हो गए। अब यहां पर क्या दे रहा है, टू चेंज द चार्ट लेआउट प्लीज फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। लेआउट, एक चार्ट का कई तरह का चार्ट होता है, जैसे उसमें ग्राफिक्स रहते हैं, ग्राफिक्स में कभी कभी देखिए कॉलम एंड बार के बीच में डिस्टेंस रहता है, डिफरेंस मेंटेन किया रहता है, और कभी कभी वो एक दूसरे से एकदम इंडेंट चिपका हुआ रहता है। तो ये जो चीज है, ये जो लेआउट है, डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट्स रहते हैं, उसको हम लोग किस तरीके से वर्कआउट करेंगे अपने सिस्टम पे, उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम लेके अपने लेआउट्स को चेंज कर सकते हैं, उसमें जरूरी बदलावों को किया जा सकता है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है सिलेक्ट द डिजाइन टैब। डिजाइन टैब यहां पर भी देखिए हम लोग डिजाइन टैब को ही सिलेक्ट किए, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हर एक चीज में। जैसे क्रिएटिंग जब करना है तो हमें इंसर्ट टैब में जाना है, जब हमें चेंज करना है तो डिजाइन टैब में जाना है, जब हमें चेंज में चार्ट लेआउट को बनाना है तो उसको उसके लिए भी हमें डिजाइन टैब में जाना है। इसलिए ये चीज याद रखिएगा जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। सेकेंड स्टेप है क्लिक द कर्सर ऑन द चार्ट लेआउट ग्रुप टू सी डिफरेंट लेआउट्स। आप उसके बाद जब डिजाइन टैब खुलेगा उसमें तब चार्ट लेआउट ग्रुप रहेगा, उस लेआउट ग्रुप में जाके आपको क्लिक करना है, तो वो एक ग्रुप मींस पूरा एक स्ट्रक्चर देगा, तीन चार ड्रॉप डाउन गिराएगा जिसके अंदर बहुत सारे चार्ट लेआउट्स दिए रहेंगे, लेआउट्स का प्रीव्यू दिए रहेंगे। उस प्रीव्यू को देख के हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा प्रीव्यू यूज करना है अपने चार्ट के लिए। थर्ड है चूज द डिजायर्ड लेआउट फ्रॉम द ऑप्शन अवेलेबल इन द मेनू। मेनू में, मेनू से जो जो चार्ट हमें जरूरत है या फिर जो हमारे लेआउट्स के लिए प्रॉपर है उस लेआउट्स को ये करना है, क्लिक करना है, क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। और फोर्थ द चार्ट विल अपीयर एंड रिफ्लेक्ट द न्यू लेआउट। द चार्ट विल अपीयर एंड रिफ्लेक्ट द न्यू लेआउट। चार्ट फिर दिखाई देने लगेगा और वो फिर नए लेआउट के साथ दिखाई देने लगेगा आपके डेस्कटॉप पे। तो स्टूडेंट्स ये पूरा चैप्टर क्लोज हो गया। क्लोज होने का मतलब ये है कि मैंने ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, अब इसमें खाली क्वेश्चन आंसर्स बचते हैं जो आपको आने वाली क्लासेस में बता देंगे। इस चैप्टर में जो आपको नहीं समझ में आया हो वो आप हमसे पूछ लेंगे फोन करके, और विद्यालय के वेबसाइट पे जाकर बार बार लॉगिन करके यूट्यूब चैनल को देखेंगे, समझेंगे और लाइक एंड शेयर इस क्लास को जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।